झांसी के मऊरानीपुर में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ दबंग लाठी डंडों से महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं पीड़ित परिवार ने कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कानूनी कार्यवाही किए जाने की मांग की। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित ने पुलिस पर मामूली धाराओं में मामला दर्ज करने का आरोप लगाया। मामला मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मोहल्ला कटरा से सामने आया, जहां के रहने वाले रामकुमार सोनकर पुत्र चौकीलाल ने कोतवाली प्रभारी को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसका भाई बेटे को लेकर के घर आ रहा था, तभी कुछ लोगों के द्वारा उसे रोककर गाली गलौज की गई, जिसके बाद उक्त लोगों के द्वारा घर के बाहर एक राय होकर लाठी डंडों से महिलाओं और बच्चों को मारा पीटा गया। उक्त घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पीड़ित ने दबंगों पर कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है आपका? राम कुमार सोनकर। क्या घटना हुई है पुलिस द्वारा, कब की घटना है? 2 तारीख दिन रविवार सुबह 8 बजे नगर पालिका चौराहे से मेरा छोटा भाई अपने लड़के को केला लेके घर पे की ओर आ रहा था, उसी समय गोलू उपहर्ष उसे गाली देने लगा, मना करने पर मारपीट करने लगे। घर के सारे लोग आए तो एक खट साथ होके डंडा से उसे मारपीट की और उसके लड़के को मारा, बेरहमी से मारा। पुलिस के पास गए तो एप्लीकेशन हम ही लोगों के ऊपर मुकदमे लगा दिए, उन लोगों के ऊपर NCR करके हम लोगों के ऊपर ज़्यादा धारा, हमारी पूरी महिलाओं के ऊपर। उस समय घर का कोई था नहीं, सड़क बीच रोड का मामला है, बुंदेलखंड स्कूल का आगे उसके अमित मिश्रा के घर के दूरी का मामला है, सुबह 8 बजे का। हाँ, तो अभी क्या कार्रवाई हुई है? अभी उनके ऊपर कुछ नहीं हुई, NCR हुई। NCR जी, और कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो उन लोगों के ऊपर, कड़ी से कड़ी धाराएं।